वेलकम टू लेक्चर ऑन एलिमेंट्स ऑफ सी, जिसमें हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं रवि प्रकाश माथुर, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। यूनिट वन हमारा चल रहा है सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का, और उसमें सब यूनिट 1.6 के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बारे में सबसे पहले हम इसकी मत जाने। द ऑपरेटर्स विद इन सी आर ग्रुप्ड हायरार्कली अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस आई ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन। किस सीक्वेंस में आपको ऑपरेटर्स को इवेल्यूएट करना है उसको हम एक्चुअली प्रेसिडेंस कहते हैं। ऑपरेशंस विद ए हायर प्रेसिडेंस आर कैरिड आउट बिफोर ऑपरेशंस हैविंग ए लोअर प्रेसिडेंस, जिसको आपको पहले इवेल्यूएट करने के लिए आपको कहा करना चाहिए, उसका पहले आपको इसमें दिखाया जाता है, और उसको हमें हायर जो है लोअर प्रेसिडेंस के जो हैं उनको बाद में ऑपरेट करना होता है। अभी एग्जांपल्स भी अब जब हम लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन कैन बी अल्टर्ड हाउएवर टू द यूज ऑफ पैरेंथेसिस। मैथमेटिक्स में आप जनरली करते हैं ये, जब भी हम पैरेंथेसिस ब्रेसेस जिसे आप कहते हैं उनका उपयोग करते हैं तो उसको सीक्वेंसेज में भी परिवर्तन आ सकता है। अमंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड परसेंटेज के रूप में हम जो करते हैं फॉल इनटू वन प्रेसिडेंस ग्रुप एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे जो साइन है प्लस और माइनस अरिथमेटिक में दे फॉल इनटू अनदर ग्रुप। द फर्स्ट ग्रुप हैज ए हायर प्रेसिडेंस देन द सेकेंड। मतलब सिंपल सी बात है, यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने के अंदर उसमें हमें अगर कहीं मल्टीपल का साइन है या डिवाइड का साइन है या हम मॉडुलस जिसे हम परसेंटेज कहते हैं अगर ये साइन है तो उनको प्लस और माइनस से पहले हमें ऑपरेट करना होता है। दस मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड रिमाइंडर ऑपरेशन जो परसेंटेज साइन से हमने दिखाया है विल बी कैरिड आउट बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मैंने अभी कहा था आपको कि प्लस और माइनस के जो ऑपरेशंस हैं एडिशनल सब्ट्रैक्शन के, उनसे पहले अगर उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन जो हम सी के केस में स्टार से डिनोट करते हैं, ना कि एक एक्स टाइप की एक इमेज नहीं होती है, स्टार के टाइप की इमेज होती है, और डिवीजन में हम स्लैश का यूज करते हैं, और रिमाइंडर के केस में समथिंग लाइक परसेंटेज के साइन की जैसा हम उपयोग में लाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द ऑर्डर इन विच कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस विद इन द सेम प्रेसिडेंस ग्रुप आर कैरिड आउट, दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी। विद इन ईच ऑफ द प्रेसिडेंस ग्रुप डिस्क्राइब्ड अबव द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। इन अदर वर्ड्स कंसेक्यूटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस आर कैरिड आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज आर कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड रिमाइंडर ऑपरेशंस। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा है हमने ए सब्ट्रैक्शन का निशान माइनस, बी डिवीजन का निशान स्लैश से, सी इसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार से डिनोट किया है, और डी। अब इसको इवेल्यूएट करने के लिए हमें किस प्रकार से प्रेसिडेंस का यूज करना चाहिए। अगर हम देखें कि ये एक्सप्रेशन, अगर हम एक फॉर्मूला और इसमें ध्यान से देखें कि ए माइनस P डिवाइड बाई C को हमने एक स्मॉल जो हमारा पैरेंथेसिस या ब्रेसेस जो होते हैं उनसे अगर सेपरेटली हमने उनको एक साथ कर दिया है, और उसके बाद हमने जो हमने ऊपर C के केस में हमने स्टार जैसे नोट किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो कि हम क्रॉस X के हिसाब से यूज करते हैं जनरली अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, और उससे D टाइप ये हमने, और उनको बड़े पैरेंथेसिस में अगर हमने बंद कर दिया है तो ये लगभग उसकी ए उसकी इक्विवेलेंट हो जाता है। दस इफ़ द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी हैव बीन असाइंड द वैल्यूज ऑफ वन डेसिमल, टू डेसिमल, थ्री डेसिमल एंड फोर डेसिमल। मतलब ए को हमने वन, केवल वन हम नहीं बोल रहे हैं, इंटीजर नहीं है इसलिए केवल वन नहीं है, उसके साथ डेसिमल लगाया है। सिमिलरली बी को दो हम कह रहे हैं, उसके साथ डेसिमल, तीन हमने सी को हमने तीन की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं और उसके साथ दशमलव,
फ्लोटिंग पॉइंट हम कह रहे हैं, रियल नंबर्स चाह रहे हैं, इसलिए हमने दशमलव यहाँ पे लगाए हैं। अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स, अगर हम 1, 2, 3 और 4 बिना दशमलव के लेते तो हमारे रिजल्ट्स भी ट्रंकेटेड होके रियल नहीं आके फिर वो हम कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू के रूप में आते। तो द एक्सप्रेशन वुड रिप्रेजेंट द वैल्यू एज -1.666 अप टू इन्फिनिटी। सीन्स किस प्रकार से देखें ज़रा, वन डॉट माइनस हमने देखा है कि बड़े ब्रेसेस में ले रखा है और फिर स्मॉल ब्रेसेस में लिखा 2/3 × 4 एंड देन क्लोज बाय द मेज, जो हमारा जो लार्ज ब्रेस है उससे हमने क्लोज कर रखा है। अगर इस केस में हम ये नोट करें कि हमें हमने वैल्यू रखी ए की 1 रखी है, बी की 2 और सी की 3 और जो है वो डी की 4 और वो भी सभी दशमलव के साथ। तो हमने देखा सबसे पहले, अगर आप देख रहे हैं जो स्मॉल पेरेंथेसिस में 2 decimal / 3 decimal इसको ऑपरेट करके रिजल्ट निकाला गया है, वो है 0.666 करते हुए उसको इन्फिनिटी हमने शो किया है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करना है 4 decimal से। और ये हम देख रहे हैं कि अब चूंकि लार्ज बेस के अंदर ऑपरेशन हो रहा है तो ये जो वैल्यू आई थी 2 decimal / 3 decimal से, इसका 4 decimal से मल्टीप्लिकेशन होने पर हम एक जो पा रहे हैं आंसर वो है 2.666 करते हुए और उसको इन्फिनिटी तक। और इसके बाद जब ये ब्रेस भी हट जाता है, लार्ज ब्रेस भी इस ऑपरेशन के बाद में, तो हमारे सामने जो चीज इक्वेशन बचती है वो ये है कि 1 decimal माइनस जो हमारा लार्ज ब्रेस हटाने के बाद टोटल रिजल्ट निकला 2.666 decimal तक। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, सामने ही दिख रहा है कि चूँकि माइनस साइन के साथ जो हमारा रियल फ्लोटिंग नंबर आ रहा है वो 2.66 है और प्लस साइन के साथ 1 आ रहा है, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट का जो साइन है वो नेगेटिव आया है और इसी कारण से और जो आंसर है 1.66 अप टू इन्फिनिटी आया है। इसमें हम देख सकते हैं कि नोटिस दैट डिवीजन इज कैरिड आउट फर्स्ट, ये हम देखा, हमने ऑपरेट किया था, अभी हमने डिवीजन को पहले ऑपरेट किया था, इसीलिए हमारा रिजल्ट जो आप जस्ट ऊपर की लाइन में देख रहे हैं 0.666 करके 2 decimal / 3 decimal इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिंस दिस ऑपरेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन सब्ट्रैक्शन, इसलिए इसको पहले ऑपरेशन किया गया, जो बार लार्जर बेस के लिए बार जो माइनस का साइन है उसको अभी ऑपरेट नहीं किया है। द रिजल्टिंग कोशेंट इज देन मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, द प्रोडक्ट इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 रिजल्टिंग द वैल्यू ऑफ -1.666। तो इस प्रकार अर्थमेटिक के जो 4 मेजर जो ऑपरेटर्स हम काम में लेते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनमें से 3 जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में काम आ रहे हैं उनको हमने एज ए प्रेसिडेंस को ध्यान में रखते जो ऑपरेट किया, तो आंसर क्या मिलना चाहिए वो हमारे सामने था। द नेचुरल प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस कैन बी अल्टर्ड थ्रू द यूज ऑफ पैरेंथेसिस, दस अलाउइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद इन एन एक्सप्रेशन टू बी कैरिड आउट इन एनी डिजायर्ड ऑर्डर। इनफैक्ट पैरेंथेसिस कैन बी नेस्टेड वन पेयर विद अनदर, इन सच केसेस द इनर मोस्ट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट फर्स्ट देन द नेक्स्ट इनर मोस्ट ऑपरेशंस एंड सो ऑन। ये हम देखते हैं कई बार कि एक बड़े इक्वेशन में हम कुछ जो पार्ट होता है उसके एक स्मॉल पैरेंथेसिस में उसको हम ले लेते हैं और उसके बाद के जो और पार्ट होते हैं उनको सेकेंड पैरेंथेसिस इनर एंड आउटर हम क्लोज करते हैं। इसी प्रकार से मल्टीपल ब्रेसेस काम में आ सकते हैं। अब जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो हमने पिछली बार काम लिया उसको अगर हमने ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पे कि अगर हम ए माइनस बी को अगर एक ब्रेस के अंदर रखा दें और सी मल्टीप्लस डी को अगर ब्रेस के अंदर रख दें तो स्पष्ट दिख रहा है कि डिवीजन का ऑपरेशन पहले नहीं होगा और ब्रेसेस के अंदर जो ऑपरेशन होना है ए माइनस बी पहले ऑपरेट होगा और दूसरी तरफ सी मल्टीप्लाइड डी उसके साथ ऑपरेट होगा और उसके बाद में जो दोनों के रिजल्ट आएंगे ए माइनस बी और सी मल्टीप्लाइड डी के, उनके साथ डिवीजन का ऑपरेशन हम काम में लेंगे।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेसेस लगा रखे हैं ए माइनस बी के बाहर और सी मल्टीप्लाई डी के बाहर। तो स्टार जो कि सी की लैंग्वेज में काम में लिया जा रहा है, इसको नॉर्मल अर्थमेटिक क्रॉस के साथ मल्टीप्लीकेशन के निशान के साथ हमने दिखाया है। दस इफ़ द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी हैव बीन असाइंड, जो पहले हमने जैसा देखा था उनको 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal इस प्रकार की वैल्यूज अगर असाइन हम करते हैं तो रिजल्ट किस प्रकार से प्राप्त होते हैं वो हमें देखना है। हमने देखा ए माइनस बी अगर ब्रेसेस के अंदर हैं तो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हुए। 1 - 2 का रिजल्ट हम देख सकते हैं, दो बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का साइन लेते हैं। 1 decimal आंसर हमारा पहले ब्रेस के अंदर का रिजल्ट आया है, उसके बाद डिवीज़न का सिग्नल साइन वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं डिवीज़न के नीचे जो हमारा जो पोर्शन हमारा मिलता है, यानी यहाँ पर डिवीज़न के राइट में जो पोर्शन है कि 3 decimal मल्टीप्लाइड बाई 4 decimal, ये हमारा जो है इसका आंसर 12 decimal आया है। और अब इसका सॉल्यूशन हम डिवीज़न का जब ऑपरेट करते हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं लास्ट में -1 decimal डिवाइड बाई 12 decimal, तो उसका रिजल्ट चूँकि साइन माइन है इसलिए माइनस आया है और डिवीज़न के बाद 0.0833 करते हुए इन्फिनिटी का रिजल्ट सामने आता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर इसमें हम यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमने ए माइनस बी के साथ जो ब्रेसेस काम में लिए वो अगर हम काम में नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है रिज़ल्ट अलग ढंग से आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि हम सी और डी के साथ जो हमारा है ब्रेसेज अगर उनको काम में नहीं लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट कुछ और भिन्न आ सकता है। समटाइम्स इट इज़ गुड आइडिया to use parenthesis to clarify an expression even though the parenthesis may not be required. On the other hand, the use of overly complex expressions such as shown in the next example should be avoided if at all possible. Such expressions are difficult to read and they are often written incorrectly because of unbalanced parenthesis. ये देखें एग्जाम्पल में किस प्रकार से दिखाया गया है। आप देखें 2 multiplied एक पैरेंथेसिस हमने काम में लिया है, उसके अंदर फिर एक पैरेंथेसिस काम में लिया है तो आई रिमाइंडर के साइन के साथ 5, फिर पैरेंथेसिस बंद किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर पैरेंथेसिस है, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से तीसरा पैरेंथेसिस सामने आ रहा है, अंदर 4 के बाद प्लस, फिर चौथा पैरेंथेसिस सामने आ रहा है g-3। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से अगर हम काउंट करें तो जे के जस्ट पहले जो पैरेंथेसिस है वो 4th पैरेंथेसिस हो गया, जबकि जे के पहले राइट साइड में अभी एक ही पैरेंथेसिस आया है। तो g-3 जैसे ही हमने लिखा और उसको हमने जब पैरेंथेसिस से क्लोज किया तो राइट से दूसरा पैरेंथेसिस हमारे सामने आया, और इसी प्रकार जब हमने डिवाइड के साइन के बाद एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस काम में लिया और +2 जब हमने लिखा तो राइट में एक पैरेंथेसिस ये लास्ट पैरेंथेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आया है और बचे हुए जो हैं वो पहले के जो हैं। तो अब अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो इनसाइड के अंदर की ओर करें, अगर स्मॉल पैरेंथेसिस में हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 4 इनसाइड हैं और एक सबसे एक्सटर्नल 5 है कुल। अगर इनसाइड हम और लें तो 1 राइट में, 2 राइट में, 3 राइट में एंड 4 राइट में। इसका मतलब हम देखेंगे लेफ्ट ब्रेसेस भी हम जितने काउंट करेंगे उतने ही हमारे राइट ब्रेसेस होंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि के प्लस टू एक इंडिपेंडेंट पैरेंथेसिस के रूप में काम आ रहा है तो इसको अलग से हम सॉल्व कर सकते हैं। जे माइनस थ्री एक अलग पैरेंथेसिस में क्लोज्ड है तो इसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों के बाद हमें अगला स्टेप लेने के पहले इन दोनों के रिजल्ट से डिवीज़न को ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम पॉजिटिव के साइन को ऑपरेट करेंगे। और अगर हम पहले पैरेंथेसिस में आई रिमाइंडर 5 को देखें तो हमें पहले इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन या इन सभी के साथ एक और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है a+5 के ब्रेसेस के बाद में, तो हम अगर इनमें यहाँ इंटीजर वेरिएबल्स असाइन करते हैं से जैसा कि हमने यहाँ लिखा 8, 15 एंड 4, तो रिज़ल्ट किस प्रकार से ऑपरेट होंगे हम जरा ऑब्जर्व करें, वैल्यूज़ ऑब्जर्व करें। तो हम देख रहे हैं कि जस्ट नोट कर रहे हैं कि अगर हम राइट मोस्ट को ध्यान दें तो 12/6 को सबसे पहले ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रेसेस के अंदर क्लोज्ड है। हम देख रहे हैं ये चीज़ सॉरी फर्स्ट में जब हम देख रहे हैं 4+2 का रिज़ल्ट आ रहा है क्योंकि हमारा k की वैल्यू 4 असाइन की है,
तो 4+2 का एक रिज़ल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से जो J-3 है वो 15-3 के टाइप से रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो 12/6 का रिज़ल्ट वहाँ पे आपको अगले इक्वल टू साइन के बाद नज़र आ रहा है। इसी प्रकार 8 रिमाइंडर 5 को हम देखते हैं, तो 5 से जब हम देखते हैं तो रिमाइंडर एक बार उसमें डिवाइड होता है, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचता है। तो हम जो इक्वेशन जो हमारा है राइट में जो आ रहा है उसमें इस कारण से आप देखें 2 × 3 यहाँ पे रिमाइंडर की 8 रिमाइंडर 5 के कारण आया है। और उसके बाद जो 4 है वो वैल्यू फीड की हुई है ऑलरेडी हमारी जे के लिए। और इसी प्रकार जो है के और जो हमारा आ रहा है कि इस प्रकार से 12/6 का ऑपरेशन पहले होने से 2 हमें मिलता है। आप देखेंगे इक्वल टू के सेकंड साइन के बाद लास्ट लाइन जो है इसमें तो हमें इनर ब्रेस में 4+2 नज़र आएंगे। और इसी प्रकार से 4+2 को सॉल्व करने पर 6 मिलेगा पहले, उसके बाद ऐसे ऐसे लेफ्ट और राइट ब्रेसेस एलिमिनेट भी होते जाते हैं जब हम अंदर के सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट करते हैं किसी दो क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर। तो हम देखें 3 × 6 अल्टीमेट ब्रेस के अंदर रिजल्ट आया है और वह 18 उससे मिला हर। उसके बाद 2 ऑलरेडी सबसे पहले हमने देखा है 2 स्टार जो था वो 2 × के रूप में काउंट हुआ था 36। इस प्रकार से एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करने पर रिजल्ट मिला है। और हमने देखा कि इस केस में कुल मिलाकर लेफ्ट के ब्रेसेस जो हैं वो 4 आ गए हैं और राइट के ब्रेसेस भी 4 यूज़ हो गए हैं। तो इसे नेचुरली दिखने में कॉम्प्लेक्सिटी बनती है लेकिन सॉल्यूशन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन विल बी असाइन टू द इंटीजर वैल्यू डब्ल्यू, आई ई डब्ल्यू इक्वल टू 2 × 5 रिमाइंडर के साथ। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इट इज़ जनरली बेटर टू ब्रेक दिस लॉन्ग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अप टू सेवरल शॉर्टर एक्सप्रेशन सच एज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनको इंडिपेंडेंट करके सॉल्व कर लें तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो आई रिमाइंडर 5 को एक वेरिएबल यू से डिनोट कर दिया। सेकेंड जो एक्सप्रेशन आ रहा है आपका 4 एक और प्लस J-3 और साथ में डिवाइड किए +2 एक, ये इस पर्टिकुलर को उन्होंने वी से डिनोट कर दिया है। और रिमेन जो बचा है उसको W से यूनिट कर उन्होंने फिर उसको उन्होंने जब u और v एज्यूम कर लिए हैं तो 2 × u v वेर u एंड v आर इंटीजर वेरिएबल्स द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस आर मच मोर लाइकली टू बी रिटन करेक्टली देन द ओरिजिनल लेगेसी लेंथी एक्सप्रेशन। मतलब आप इनका u को अलग से सॉल्व कर लीजिए, v को अलग से सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको एक बड़े इक्वेशन में गलती होने की संभावना रिड्यूस हो जाती है। आगे अरिथमेटिक ऑपरेशन के आगे और भी हमने जो ऑपरेटर्स देखे उनके बारे में भी छोटे छोटे कमेंट्स हम देना चाहेंगे। समथिंग लाइक यूनिटरी ऑपरेटर्स हैव ए हायर प्रेसिडेंस देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हेंस इफ एनी यूनिटरी माइनस ऑपरेटर एक्स अपॉन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स द यूनिटरी माइनस ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट फर्स्ट अनलेस ऑफ कोर्स द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज एनक्लोज इन पेरेंथेसिस। जैसा हमने बार बार कहा, अगर पेरेंथेसिस कहीं यूज हो जाता है तो सबसे पहले पेरेंथेसिस जो इनर मोस्ट होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। आल्सो द एसोसिएटिविटी ऑफ द यूनरी ऑपरेटर्स इज राइट टू लेफ्ट, दो कंसेक्यूटिव यूनरी ऑपरेटर्स रेयरली अपीयर इन एलिमेंट्री प्रोग्राम्स। एक एग्जाम्पल हमने दिखाया यहाँ पे वापस, एक एक्स एंड वाई को इंटीजर वेरिएबल 10 और 20 मानते हुए द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन −x + y विल बी −10 + 20 इज इक्वल टू 10। नोट दैट द यूनरी माइनस ऑपरेटर इज कैरिड आउट बिफोर द एडिशन, कैरिड आउट बिफोर द एडिशन। हम देख रहे हैं कि ये एडिशन करने से पूर्व ही यूनरी माइनस ऑपरेशन हो रहा है। नाउ सपोज दैट ऑपरेंथेसिस आर इंट्रोड्यूस सो दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स
माइनस पहला आ गया, और 10 और 20 को अगर आपने पेरेंथेसिस में यूज कर दिया है तो निश्चित रूप से पेरेंथेसिस पहले ऑपरेट होगा, तो 10 प्लस 20 30 रिजल्ट आएगा, उसके साथ माइनस जो है आपका यूनरी ऑपरेटर माइनस उसके साथ रिफ्लेक्ट होता है। हम देख रहे हैं कि ऊपर जो हमने काम किया था बिना पेरेंथेसिस के उसका रिजल्ट प्लस 10 आया था, और विद पेरेंथेसिस जब अभी यूज़ किया है इसी इक्वेशन को तो इसका रिजल्ट चेंज होकर -30 आ गया, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पेरेंथेसिस से रिजल्ट्स प्रारंभ चेंज हो सकते हैं। नोट दैट द एडिशन नाउ प्रीसीड्स द यूनरी माइनस ऑपरेशन, पहले हमें वहाँ पे एडिशन ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, माइनस जो है माइनस यूनरी जिससे हम कहते वो ऑपरेट हो रहा था, और इस सेकेंड जो हमने जब पेरेंथेसिस यूज़ किया तो इसमें हमारा यूनरी जो माइनस नेगेटिव जो ऑपरेटर है वो पहले यूज नहीं ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, बल्कि पेरेंथेसिस के कारण एडिशन का ऑपरेटर पहले उपयोग में आया है। एक हम देखें कि इसके अलावा हमने और भी देखे थे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे ये थोड़ा मैंने स्लाइड को वापस से रिपीट किया है, जिसमें हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू टाइप के हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को पहले भी डिस्कस किया था। तो इनके केस में देखें, कमेंट आएगा, दीज ऑपरेटर्स ऑल फॉल विद इन द सेम प्रेसिडेंस ग्रुप विच इज़ लोअर देन द अर्थमेटिक एंड यूनरी ऑपरेटर्स, द एसोसिएटिविटी ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज लेफ्ट टू राइट। एंड जो हमारे दूसरे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हैं, इनके केस में द इक्वलिटी ऑपरेटर्स फॉल इन टू ए सेपरेट प्रेसिडेंस ग्रुप बीनीथ द रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आल्सो हैव ए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। इसी तरीके से हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, जिसको हम डबल एंड को एंड और दो वर्टिकल बार्स को और से डिनोट करते थे, इनके केस में भी हमारे पास कमेंट प्रेसिडेंस के फॉर्म में है कि ईच ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉल इनटू इट्स ओन प्रेसिडेंस ग्रुप, लॉजिकल एंड हैज़ ए हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल, और बोथ प्रेसिडेंस ग्रुप्स आर लोअर देन द ग्रुप कंटेनिंग द इक्वलिटी ऑपरेटर्स, द एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स भी पहले पढ़े थे, उनकी केस में भी उनकी प्रेसिडेंस उनकी अपने अलग से होती है, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी से ऊपर होते हैं, और द एसोसिएटिविटी इज़ राइट टू लेफ्ट उस केस में। प्रेसिडेंस और ये सभी जो हमने जितने भी कैटेगरी के ऑपरेटर्स की हैं इनको एक टेबुलर फॉर्म में शो किया जा रहा है, पहले में हम देख रहे हैं फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर नंबर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर मेंबर, इस प्रकार के जो साइंस काम में आ रहे हैं उनकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। यूनरी ऑपरेटर्स में यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट प्लस बाय वन, डिक्रीमेंट बाय वन, इस प्रकार के जो ऑपरेटर हैं इनकी राइट टू लेफ्ट हमने एसोसिएटिविटी दिखाई है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं हमने सबसे पहले दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, वो लेफ्ट टू राइट दिखाए हैं। अर्थमेटिक ऐड एंड सबट्रैक्ट जो है प्लस और माइनस लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करने के लिए एसोसिएटिविटी है। इस प्रकार बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेशन लेस देन और ग्रेटर देन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ, रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वंस अगेन लेफ्ट टू राइट, लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं ज़्यादातर केस में लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो आज जब राइट टू लेफ्ट वाला जो पोर्शन आएगा उस समय वापस हम इस बात को इंडिकेट करेंगे। इसी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वलिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और उसके बाद कॉमा ऑपरेटर्स, ये इस प्रकार की प्रेसिडेंस ग्रुप्स हैं, और ये टॉप टू बॉटम की प्रेसिडेंस हैं। और अगर लेफ्ट एसोसिएटिविटी की बात करें तो ज़्यादातर केस में लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, और कुछ केसेस में जैसा कि हमने देखा यूनरी ऑपरेटर्स, इसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी के साथ ऑपरेट होते हैं। एक नोट हमने और दिखाया है इसमें कि द प्रेसिडेंस ग्रुप्स आर लिस्टेड फ्रॉम highest to lowest, some C compilers also include a unary plus, जिस प्रकार से unary minus के बारे में हमने बात की, कुछ compiler unary plus operator को भी incorporate करते हैं to complement the unary minus operator, however a unary plus expression is equivalent to the value of its operand, i.e. the sign plus with V has the same value as the value of V। तो इस प्रकार से ये हमने आपके साथ ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिस्कशन किया है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए और
कहीं और भी आपको कोई लिटरेचर मिलता है उनको भी आप चाहें देख सकते हैं, और इसके संबंध में जो कोई भी अगर कोई डाउट्स आते हैं, आपको क्वेरीज आती हैं, मुझे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप से जो कनेक्ट है उस पर सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज, और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके आपको सेटिस्फाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।